हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ये फिजिक्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस एक वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोस्तों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो कितने डिग्री के कोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये आपको दोस्तों बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा आपका 30 डिग्री और चौथा है डू नॉट इंटरसेक्ट। दोस्तों, आपको बता दे कि वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कितना भी डिग्री पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी भी एंगल पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रही है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर इज चेंज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। पहला ऑप्शन है दोस्तों इनफिनाइट, दूसरा है आपका जीरो, तीसरा है इक्वल टू डैट एट द सरफेस और चौथा जो दोस्तों ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि जीरो, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो जीरो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रही है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, यानी कि ESU में क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 4.78 × 10⁻¹⁰। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, पूछ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है कंजर्वेटिव, दूसरा ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव, तीसरा जो ऑप्शन है सी नंबर वो सम हुएयर कंजर्वेटिव एंड सम हुएयर नॉन कंजर्वेटिव। इसके बाद दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है बोल रहे नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा चौथा का वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पाँच नंबर क्वेश्चन जो है, पूछ रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर कॉन्स्टेंट फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशियो आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो पाँच का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। अगला छः नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज, यानी कि अगर क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों छः का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑलवेज जीरो, यानी कि कोई उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला सात नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो दोस्तों आपका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है ओम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि वेंडी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि वेंडी ग्राफ जनरेटर का यूज क्या प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है हाई करंट, बी ऑप्शन है दोस्तों हाई वोल्टेज, सी ऑप्शन है हाई पावर और डी जो ऑप्शन है वो हाई कैपेसिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 8 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेंडी ग्राफ जनरेटर जो है हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए होलो स्फीयर चार्ज्ड कंडक्टर इज, यानी कि दोस्तों होलो स्फीयर चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके जो होलो स्फीयर चार्ज कंडक्टर में वो 0 होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि इफ़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि दोस्तों जब क्या होगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट करेगा तो आपका इक्विपोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको दोस्तों बताना है। तो 10 का जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वाई जेड प्लेन दोस्तों यहाँ पर आपका सी होगा और यहाँ क्या होगा आपका डी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दोस्तों जो आपका कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आपको दोस्तों बताना है। तो 11 का जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेन्स। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि कोलंबियन फोर्स इज, यानी कि कोलंबियन फोर्स क्या होता है ये आपको दोस्तों बताना है। ए ऑप्शन है आपका दोस्तों सेंट्रल फोर्स, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स और जो सी ऑप्शन है दोस्तों बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 12 का सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ आपका दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निगेटिव चार्ज फ्लोज, यानी कि दोस्तों निगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर की तरफ होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये आपको दोस्तों बताना है। तो 13 का जो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि निगेटिव चार्ज जो है वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि किलोवाट आवर यानी कि KWH इज द यूनिट ऑफ, यानी कि KWH किसका यूनिट होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका पावर, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है टॉर्क और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो दोस्तों आपको बता दे कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, क्योंकि KWH दोस्तों एनर्जी का जो है SI यूनिट होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरेडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरेडियन इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक मेरेडियन और ज्योग्राफिकल मेरेडियन के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डिक्लिनेशन। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि निकल इज, यानी कि दोस्तों निकल कैसा होता है ये आपको दोस्तों बताना है। पारा मैग्नेटिक होता है या फिर आपका डाई मैग्नेटिक होता है या फिर फेरो मैग्नेटिक होता है ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निकल जो है वो फेरो मैग्नेटिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, यानी कि अर्थ के सरफेस पर आपका जो वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है वो कितना होता है ये आपको दोस्तों बताना है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए गॉस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 18 नंबर दोस्तों पूछ रही है क्वेश्चन कि कॉपर इज, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि कॉपर कैसा होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया पारा मैग्नेटिक, दूसरा आपका फेरो मैग्नेटिक, तीसरा आपका डाई मैग्नेटिक और चौथा है नन। तो दोस्तों आपको बता दें कि 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉपर जो होता है वो पारा मैग्नेटिक होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट, यानी कि निम्नलिखित में से लिक्विड और गैस क्या नहीं होती है ये आपको दोस्तों बताना है। तो 19 का जो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि दोस्तों लिक्विड और गैस
फेरोमैग्नेटिक नहीं होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रही कि फ्रॉम क्यूरीज लॉ, यानी कि दोस्तों क्यूरीज लॉ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।